हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स 7। आज आपके लिए एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ और इस रिव्यू में हम अनबॉक्स करेंगे आइसक्रीम मेकर। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल करता है और अगर घर में ही आइसक्रीम मेकर आपके पास मौजूद हो तो आप भी घर में ज़बरदस्त और मज़ेदार आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं अपने फेवरेट इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो मैंने जो है बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया है, इसमें से प्रोडक्ट भी बाहर निकाल ली है। इसके साथ जो बुकलेट आया उसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी है, तो आप उसको ज़रूर रीड कीजिएगा। तो अब सारी जो है पैकिंग वगैरह मैंने साइड पे कर दी है, इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है और कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है या कौन कौन सा पार्ट है वो किस तरह से सेट होता है। तो आइसक्रीम जो है बनाना इसके अंदर बेहद आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये जो है इसका मिक्सिंग के लिए एक इसकी अटैचमेंट है जो कि हम इसको अटैच करेंगे, प्लास्टिक का मटेरियल है इसका और इसको मैं भी आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको इसके जो लिड है उसके साथ अटैच करना है। ये पावर का बटन है, ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसमें स्पीड्स वगैरह नहीं है और यहाँ पर जो दो स्लॉट्स हैं ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए अलहदा से जगह है। तो अभी मैं जब बनाऊंगी तब आप देख लीजिएगा कि इसमें मैं अगर बाद में आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं या फिर मिडल में भी करने हैं तो आप कैसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये सिंपल इसके अंदर जो इसकी अटैचमेंट है वो मैंने लगा दी है। तो अब हम जो है इसका फ्रीजिंग बाउल जो है उसको देखते हैं जो फ्रीज़र में जाना है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रीज़र में रखना है आपने। इसको आपने ज़रूरी है कि आप जब आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम 24 घंटे के लिए या एटलीस्ट ओवरनाइट के लिए आप इसको फ्रीज़ करें। मैं रिकमेंड करूँगी कि 24 आवर्स के लिए आप इसको फ्रीज़ करें ताकि जो है आपकी आइसक्रीम जो बहुत अच्छी से तैयार हो। तो मैंने इसको 24 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करके अच्छे से ये देख लीजिए इसके अंदर जो भी जेल वगैरह था और इसकी जो इंसुलेशन है वो सारी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इसको फ़ौरन से उसी टाइम ही निकालना है जिस टाइम आपने इसको आइसक्रीम तैयार करनी है, सिर्फ उसी टाइम आपने इसको निकालना है। तो आपने ठंडी जो है व्हिपिंग क्रीम लेनी है, बिल्कुल अच्छी तरह चिल्ड हुई हो वो वाली लेनी है, यानी कि बाहर पड़ी हो, चिल्ड होनी चाहिए व्हिपिंग क्रीम। वो अपने इंग्रेडिएंट्स जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर होल मिल्क जो होता है, जो फुल क्रीम मिल्क होता है वो ऐड किया है और उसके बाद शुगर ऐड कर दे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितनी शुगर आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से शुगर ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए वनीला एसेंस को भी ऐड किया था। तो इसके बाद बस सिंपल आपने इसका लिड ऑन कर देना है और उसके बाद आपने इसका जो बटन है उसको टर्न ऑन कर देना है। तो बटन ऑन करने से पहले तार तो अब हमने लगाई नहीं, तो तार को फटाफट लगा लेते हैं, उसके बाद इसका बटन ऑन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करती है। तो ये जो आइसक्रीम मेकर है ये है, वन पिट इसके अंदर आइसक्रीम बन जाती है और आइसक्रीम जो है वो भी इंस्टेंटली बनती है। आप जितनी भी गर्मी है या कुछ भी, सिंपल आपने इसका जो फ्रीजिंग बॉल है उसको आपने फ्रीज़र में अच्छे तरीके से जो है फ्रीज कर लेना है काफ़ी देर के लिए, मतलब 24 घंटों के लिए तो एटलीस्ट आप करें ताकि आपका जो है रिज़ल्ट वो बेस्ट आए। तो उसके बाद जब जैसे ही ऑन किया आप अंदर देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम है ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ मैंने स्मार्टीज़ जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है ताकि थोड़ी सी जो है टॉपिंग वगैरह अच्छी लगें, मज़ेदार सा फ्लेवर इसका तैयार हो। तो स्मार्टीज़ ऐड की आप चाहे तो चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़, जो भी आपको पसंद है आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चाहे तो स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं या कोई और फ्रूट जिसका आपने फ्लेवरिंग इसके अंदर ऐड करनी हो। तो ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट चलाया है, वैसे इसकी बुकलेट पे 20-25 मिनट्स था लेकिन मैंने इसको 15 या आप कह लें 18 मिनट्स इसको सिर्फ चलाया है और आपकी जो आइसक्रीम है कैसी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, इतनी टाइट हो गई है कि मेरे से जो है इसका लिड भी ओपन नहीं हो रहा था।
और ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कोल्ड हो गई हुई है, ठंडी हो गई हुई है और फ्रोज़न टाइप सी है, तो इसके अंदर आप फ्रोज़न योगर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं, सोर्बे भी तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा संडेज वगैरह भी या सॉफ्ट आइसक्रीम भी अगर आपने तैयार करनी है वो भी इसके अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट्स जो हैं फाइनल वो आपके सामने हैं। अगर आप लोगों ने बाय करना है, लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। इस आइसक्रीम मेकर में बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों ने, मैं बार बार बता रही हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर या जो है कम चिल्ड फ्लेवरिंग, जो कम चिल्ड जो होते हैं मटेरियल्स वो नहीं ऐड करने, वरना रिज़ल्ट आपको 100% नहीं मिलेगा। मेरा रिज़ल्ट तो आपने देख लिया कि किस तरह से आया है। आप लोग भी अगर इसको बाय करेंगे, बनाएंगे, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, रखता रखिएगा बहुत सारा ख्याल, बाय बाय।